घाट सेक्शन है, घाट सेक्शन में हमको पुलिस ने एक रुकाया। गाड़ी लेके जाने का रहेगा तो आपको 100 रुपीज़ देना पड़ता है। अगर Hey guys, welcome back to another vlog. This is your host Karthik. कैसे आप सब बताए, hope so everyone is doing absolutely fine. तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, एक हाथ दो बीच और एक बटरफ्लाई बीच करके एक जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। मोटो ब्लॉगिंग बेसिकली होगा नहीं बिकॉज अपना जो GoPro है वो पानी में मैं लेके गया था, तभी कुछ ख़राब हो गया है। ख़राब इन द सेंस थोड़ा पानी गया है तो ऑडली बिहेव कर रहा है, तो उसे सूखने के लिए रखा है मैंने। देखते कैसा क्या होगा करके, उसका हालत क्या रहेगा वो देखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी तो कुछ नहीं। सो मैं इज हियर। हे गाइस, सो अभी ऊपर आए हम लोग, पार्किंग स्पॉट में आए हैं। सो हियर इज़ आवर बाइक। बाइक को थोड़ा लूप किया है सो मैं को एक्चुअली चिल्ला रहा था, मैं मोबाइल चार्ज नहीं करती है। काम आता है वो, देखो चिल्लाने के अलावा भी। सही बात है ना भाई, नेविगेशन के लिए मैं ये नहीं रख सकता आईफोन इसमें, बिकॉज आईफोन का कैसा इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन है। एक का मैंने देखा था कि मोबाइल चार्ज पे क्या बोलते हैं, नेविगेशन पे रखा था और इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन उड़ गया था, तो इसके लिए मैं इसका वन प्लस रखता हूँ। वन प्लस बेसिकली आराम से इसके अंदर बैठ जाते हैं, राइनोक्स का माउंट है। एंड या अपना जो टॉप बॉक्स है, टॉप बॉक्स काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट एक छोटा सा जंप भी हो गया था, जंप में मेरे को टेंशन आ गया था टॉप बॉक्स फ्लाई ऑफ हो जाएगा करके, बट ठीक है, ऑल ओके नाउ। हे गाइस, सो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे पैलोलम बीच के पास में है एंड गाड़ी को फ्यूलिंग के लिए रुकाए थे। सो HP के यहाँ से पेट्रोल फुल किया है और यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 96.23 पर लीटर का पेट्रोल है। एंड भाई साहब, इंटरसेप्टर में जो माइलेज दी है ना, नेक्स्ट लेवल, तोड़ माइलेज दी है, 30 का माइलेज मिला है अपने वो गाड़ी से, तो या काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, इतना माइलेज मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो सो मैं एक्चुअली आ रही है, पानी लेने गई थी वो और उसको पैर में चटका लगा। एक्चुअली बाइक बहुत गंदा है, ये दिखा नहीं सकते मैं जान। नॉट अ गुड डे। Hey guys, we are at Palolem Beach right now and बीच काफ़ी क्राउडेड टाइप लग रहा है, मतलब पूरा ऐसा ना बोट्स लगाया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे सब एक्टिविटीज़ हो रही है। ये जो कायाकिंग है इसकी एक्टिविटी हो रही है, बोटिंग अगर आपको जाना है तो बोटिंग होगा और कुछ लोग पानी में एंजॉय कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक बीच काफ़ी अच्छी है। साउथ का बीच का यही फायदा है कि आपको काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर, एकदम चिल्ड आउट रहता है ज़्यादा करके। एंड यहाँ पे पूरा माउंटेन व्यू है, अपन उस साइड में थे और यहीं पे गए तो बटरफ्लाई बीच भी है। बटरफ्लाई बीच है कि बटरफ्लाई आइलैंड है? आई गेस ना इसके पीछे रहेगा, बिकॉज उसका जो फोटोज वगैरह देखेगा ना तो ऐसे ही है, शॉर्ट दोनों पहाड़ के बीच में बीच है, तो उधर किधर तो है साइड के इधर ही है। और यहाँ पे बीच का कैफेज भी है, काफी सारे कैफेज है यहाँ पे, मतलब कैंपिंग प्लेस है, मतलब ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ गोवा में अगर आप जाओगे तो कैसा एकदम बीच है सब ऐसा नॉर्मल, दुकानें काफ़ी सारी रहती है, पूरा क्राउडेड रहता है, कुछ उसी तरीके से यहाँ का भी है। अगर साउथ में आना है तो बेटर गोवा होगा, बहुत सॉर्टेड है। हाँ, मतलब आपको चिल आउट करना है, आपको सुकून चाहिए एकदम पानी का आवाज़ और आप चिल आउट करना चाहते हो तो कोला बीच इज़ दी बेस्ट। बेसिकली वो एकदम आइसोलेटेड जगह पे है, वहाँ पे अपना नेटवर्क तक नहीं आता, तो हम लोग का भी वही प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, तो वाईफाई नशीब से अच्छा है कि अच्छा खासा चल रहा है वहाँ पर, बिकॉज प्रीवियसली मैंने एक जन का वीडियो देखा था जिसमें बोला गया था कि वाईफाई का थोड़ा इशूज़ होते हैं, बट ठीक है। बट हाँ, पावर का जो है वो फ्लक्चुएशन होता रहता है और अपना लैपटॉप मालूम है बैटरी में नहीं चलता, सिर्फ पावर पे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठंडा लगता है अपने को, लगता है कुछ नहीं है, धूप कम है करके, बट टैन हो जाता है इसमें।
अभी हम लोग यहाँ पे मार्केट में है एंड सौम्या जैसा कि यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर रही है, मैं बेसिकली बाहर खड़ा हूँ बिकॉज मेरा पैर पूरा भीग गया है। भीग गया मतलब वो खड़ा था मैं फ़ोटो निकालने के लिए तो पानी लग गया उसमें शू में, तो इसके लिए यहाँ पे बाहर खड़ा हूँ। जस्ट ऐसे चिल आउट कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे जस्ट चेकआउट कर रहे हैं, सामान वीमान है क्या करके कुछ लेने जैसा फैंसी टाइप ऑफ, तो अगर कुछ मिला तो ले लेंगे, देखेंगे नहीं तो क्या करना है। वैसे भी आगे भी जाना है अभी वैसे, और धूप एकदम कड़क है, भयानक वाला धूप है। सो या सो गाइस अभी हम लोग बटरफ्लाई बीच के यहाँ पर जा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ ट्रैकिंग है करना, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 किलोमीटर्स का ट्रैक है, गाड़ी भी जाती है। गाड़ी लेके जाने का रहेगा तो आपको 100 rupees देना पड़ता है, अगर बाहर पार्क करना रहेगा तो अराउंड 50 rupees, हमने 50 rupees पे किया है। बट द थिंग इज रास्ता देखो काफ़ी स्टिफ है, तो स्कूटी बीटी रहेगा तो ठीक है एक टाइम के लिए, बट हैवी व्हीकल जैसे इंटरसेप्टर काइंड ऑफ अ व्हीकल के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है इफ़ यू आर समथिंग न्यू टू दिस ट्रेल्स एंड ऑल। तो सो मैं यहाँ पर है और एक सीन हुआ अभी वो बताता हूँ मैं आपको। अभी हम लोग फोलेलम बीच से आ रहे थे एंड आने के टाइम पे एक घाट सेक्शन है, घाट सेक्शन में हमको पुलिस ने एक रुकाया, अननेसेसरी रुकाया, बिकॉज रुकाने पर ही समझ गया मेरे को कि बिन मतलब का रुका रहा है करके, तो पूछा मुझे लाइसेंस दिखाने बोला, तो मैं आराम से अपना हिसाब से दिखाने को बस सोमे को बोला उतर, मोबाइल निकालना था मेरे को, मोबाइल में दिखाना था। सो ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग सेइंग दैट दो एग्जॉस्ट नहीं चलते, ज़्यादा आवाज़ करता है करके, तो किसको नहीं चलता है? मैंने उनको पूछा किसको नहीं चलता है, तो दो बार बोला मैंने उनको किसको नहीं चलता है आप बताओ ना। सो चिढ़ गया वो चिढ़ गया वो मेरे को बोलता है कि आपको पता है क्या फ़ाइन कितना है एंड ऑल। बोला भाई दुनिया घूमा है हम लोग इधर, तो फ़ाइन का तो बात ही मत कर इस मामले में। फिर उसके बाद उसको मोबाइल में लाइसेंस दिखाया, फिर चुप हो गया। मतलब इतने मतलब नीयत ख़राब रहती है ना लोगों की, मतलब कहाँ पे पैसा मिलता है वो देखने को, शक्ल पे लिखा था भाई ऐसे पैसा लेने के हिसाब से देख रहा है, डराने को देख रहा है। जवाब मिल गया उसको तो निकल गया, हट गया वो बाजू में, नहीं तो अगर आगे मेरे को बोलता भी था ना भाई ये एग्जॉस्ट के लिए पैसा भरना पड़ेगा, तो सीधा मैं मेरा हाँ मैं वीडियो निकालने ही वाला था, मैं उसी हिसाब में था और उसी हिसाब से मैंने उसको अपना एम परिवहन ऐप में लाइसेंस दिखाया। बिकॉज मुझे ये भी जानना था कि भाई इसको डिजिटल लाइसेंस चलता है या नहीं, वो देखते है करके उसको जैसे ही समझाना, इससे आर्ग्यू करके फ़ायदा नहीं है, बंदे को मालूम है, हट गया बोलता है जाओ करके। वायरल वीडियो टाइप बन जाता था। और एक दिक्कत उसमें ये हुआ, अपना गोप्रो अपन ने लाया नहीं है, गोप्रो का लफड़ा हो गया है। नहीं तो गोप्रो रहता तो आगे कुछ बोलता भी नहीं था वो, उसको मालूम है बंद रिकॉर्ड हो रहा है करके, ये मैंने ज़्यादा नोटिस किया है, कोई कांड करने जाते नहीं है कैमरा के सामने। चलते हुए ट्रैकिंग करना, एक तरफ से गाड़ी नहीं लाया वो बेटर ही लग रहा है मेरे को, एक तो हमारा चलना हो रहा है फर्स्ट थिंग, और दूसरा कमर दर्द होने शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जितना इंटरनल सेक्शन में बीचेस है ना, वहाँ पे रोड तो बहुत ख़राब है, मतलब ट्रेल से बेसिकली, तो ट्रेल से आपको गाड़ी लेके जाना पड़ता है, बाकी कैसा फेमस बीच जैसा ऐसा रोड्स नहीं है, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एकदम अंदर अंदर आप आने की कोशिश करोगे तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, सो वॉच आउट ऑन दैट। सो गाइज अभी हम लोग ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं बटरफ्लाई बीच के, तो सामने बीच है, मतलब ज़्यादा क्राउड नहीं है, ऑफकोर्स फॉर द रीज़न आपको ट्रैक करके नीचे तक आना पड़ता है, तो इस वजह से ज़्यादा कोई आपको लोग मिलेंगे नहीं। और यहाँ पे बोट्स है, छोटे मोटे बोट्स है जो आपको ऐसा ट्रिप करा के लेके आता है सभी माउंटेन्स। प्रॉब्ली ये जो है ये बटरफ्लाई का ये रहेगा और ये दो माउंटेन है, तो उस हिसाब से इसे बटरफ्लाई बीच बोला जाता है। एंड
पे तो कुछ नहीं है गाइस, इतना कुछ इधर करने के लिए, नॉर्मल चिल आउट करने के लिए आप आ सकते हो, एक अलग एक्सपीरियंस अगर ट्रैवलिंग का या फिर ट्रैकिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा तो। बाकी फ़ोटोशूट्स के लिए वो वाला पोजिशन अच्छा है एंड या थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट्स करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद देखते क्या करना है करके। एक्चुअली हम लोग को सनसेट भी मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होगा, उस साइड होगा, अपने यहाँ पे प्रॉपर दिखता है। यहाँ पे देख इतना ही तेरे को एंगल मिलता है, कितना बज रहा है विचार, 4:30 बज रहा है, तो सनसेट कैसे होगा? हाँ फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उस साइड किधर होगा सनसेट, यहाँ पे बीच में नहीं होगा। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बटरफ्लाई बीच से, कुछ है नहीं वैसे तैयारी करने के लिए, एगोंडा जाने का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं किस क्या पहुँचते करके। पहली बात तो यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, बट इतना ट्रैक करके आके उतना मतलब नहीं है, इतना भी कुछ है नहीं यहाँ पर, जस्ट एक आइसोलेटेड प्लेस है, थोड़ा चिल आउट करना है तो आप आ सकते हो, उसके अलावा बाकी तो कुछ करने के लिए यहाँ पे है नहीं। बोटिंग वीटिंग का तो बाकी जगह पे भी ऑप्शंस है वैसे तो, जस्ट फोटोग्राफी फोटोशूट्स वीडियो शूट्स करना है आपको तो ट्राई आउट कर सकते हो। आप रहोगे और आना है तो इट्स ओके, हां वरना इट्स लाइक ठीक है। सो अभी हम लोग वापस से हमारे रिसोर्ट जा रहे हैं, कोला बीच रिसोर्ट एंड या बटरफ्लाई, यहाँ पर गए थे बटरफ्लाई बीच व्हाटएवर जो था वो, यहाँ पे जस्ट ऐसे चेकआउट करने गए, दुकान है क्या, बिकॉज मेडिकल एक्चुअली सर्च करना था, मेरा जो हाथ है रिस्ट है उसमें स्प्रेन आ गया है, और तो अपना जो बटरफ्लाई बीच था मतलब उसका जो लोकेशन था वो काफ़ी मतलब गंदा वाला ट्रेल था, तो उस वजह से मेरा एक साइड में मतलब ऐसा गाड़ी जाने का जैसे पूरा प्रेशर एक हाथ में आ गया था, तो वो एक दिक्कत हो गया, तो उसके वजह से स्प्रेन आ गया है हाथ में। तो सो मैं जस्ट यहाँ पे चेकआउट कर रही है कि वो मूव का स्प्रे है क्या करके, तो देखते हैं अभी कैसा क्या होता है, उस हिसाब से ट्राई आउट करेंगे। एंड गाड़ी समथिंग कुछ इस तरीके से दिख रही है अपनी, काफ़ी वेल परफॉर्म कर रही है, एंड जैसा कि मैंने माइलेज का बताया आपको, माइलेज से छोड़ दो, अभी पॉलीट्रॉन वापस से डालना है इसमें, बिकॉज मैं कैरी करना भूल गया था रिफ्यूलिंग के टाइम पे। एंड यहाँ पे पेट्रोल कुछ 109 रुपया है, 109 रुपया नहीं सॉरी 95 पॉइंट समथिंग है यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया। एंड या अभी बीच में जाते हैं एंड चिल आउट करते हैं, और बाकी तो कुछ नहीं, लेट्स सी कैसा क्या आज का दिन टर्न आउट होता है। अभी तक तो काफ़ी अच्छा गया, ट्रैकिंग हुआ ना तो और भी मज़ा आ गया, मतलब बॉडी का वर्कआउट हो गया, वो मस्ट रिक्वायर्ड था व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोला बीच, कल के दिन ब्लॉग कंप्लीट करने हुआ नहीं, वैसे भी पर्टिकुलर डे का ब्लॉग कंप्लीट करने होता नहीं है, बस कुछ ना कुछ इसमें टाइम निकल जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो दिक्कत हुई थी, ये हाथ जो है मेरा, ये हाथ में स्प्रेन आया था जब हम लोग ट्रेल में गए थे बटरफ्लाई बीच जाते वक्त, तो वहाँ पर ये हाथ में स्प्रेन आ गया, गाड़ी एक साइड में मतलब पत्थर के यहाँ पे अटका ना, तो वजन पूरा एक साइड में आया, तो गलती से ये हाथ के ऊपर प्रेशर आ गया, और उसके वजह से थोड़ा बहुत मुझे अभी पेन है, बट एक बार हम लोग अभी आज जाने वाले चेकआउट करने वाले और दूसरे जगह पर जाने वाले, तो वहाँ पर जाते जाते या फिर वहाँ जाने के बाद कई मेडिकल से वो जो रिलीफ स्प्रे रहता है रिलीफ स्प्रे वो लूँगा और मार के देखूँगा, और कुछ कपड़ा बांध लूँगा टाइट कपड़ा। और या एंजॉय तो काफ़ी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है काफ़ी, एंड अभी देखते और क्या क्या मतलब एडवेंचर आने वाली है लाइफ में। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं, मतलब ये वाले ब्लॉग के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो यार जितना हो सके उतना शेयर करना और लाइक करना वीडियो को, बिकॉज आप ही के सपोर्ट से यार अपना चैनल ऊपर जाने वाला है, और कुछ नए कॉन्टेंट्स आएंगे, कुछ नए ट्रैवल ब्लॉग्स आएंगे। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज गाइज थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, बाय।